हेलो एवरीवन, हम फिर हाजिर हैं न्यू वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, केक खाने का तो सबका मन करता है, बट कोई जल्दी बना नहीं पाता क्योंकि केक इतनी जल्दी तैयार नहीं होता, उसे बेक करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन हम विदाउट बेक के इंस्टेंट केक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसे सिर्फ 3 चीज़ों से बनाने वाले हैं, हमें इन्हीं 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर 9 ब्रेड स्लाइसेस चाहिए, 1 पैकेट डेयरी मिल्क और 1 पैकेट ओरियो बिस्किट। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। हमें पहले ब्रेड की साइड्स कट करनी है। देखिए साइड्स कट हो गए हैं, इसी प्रोसेस से आप सारे साइड्स कट कर लीजिए। हमने ब्रेड के साइड्स कट कर लिए हैं। अब हमें 3-3 स्लाइसेस लेना है और इसे कुछ इस तरीके से रखना है। अब हमें एक छोटा बाउल लेना है और इसके कॉर्नर में रखना है और उसके साइड्स को कट करना है ताकि ये हार्ट के शेप का हो जाए। देखिए ये कट हो गया है और ये हार्ट शेप का लग रहा है। आपको इसी तरीके से दूसरे साइड को भी कट करना है। देखिए हमने ब्रेड को हार्ट शेप में कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ओरियो बिस्किट लेना है और उसको प्लेट में निकालना है और उसके क्रीम को अलग बाउल में सेपरेट करना है। ये क्रीम मेल्ट ना हो सके इसे इसलिए फ्रीज में रखना है और हमें इस कुकीज़ को जार में ट्रांसफ़र करना है और इसमें थोड़ा सा दूध डालना है। ये ना ज़्यादा डार्क होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला, और बस इसे ग्राइंड कर लेना है। देखिए ग्राइंड हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब हमें एक छोटा बाउल लेना है और उसमें 1 TSP शुगर ऐड करना है, फिर उसमें थोड़ा पानी डाल के उसका शुगर सिरप तैयार करना है। हमने 1 TSP शुगर लिया था तो हमने इसमें 2 TSP पानी डाला है और हमारे शुगर सिरप भी तैयार है। अब हमें प्लेट में थोड़ा सा चॉकलेट लगाना है। हमने ये इसलिए किया है ताकि हमारा ब्रेड सेट हो सके और ये डिस्टर्ब ना हो। और ये अच्छे से चिपक गया है, ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। देखिए इसे सेट करने के बाद हमने जो शुगर सिरप बनाया था उसको इसके ऊपर डालना है। हमें इसे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसकी अच्छे से कटिंग नहीं हो पाएगी। अब हमें चॉकलेट को इसके ऊपर लगाना है। चॉकलेट लगाने के बाद हमें इसके ऊपर से सेकेंड लेयर रखनी है, फिर हमें दोबारा से वही प्रोसेस करना है, पहले शुगर सिरप फिर चॉकलेट। उसके बाद हमें इसके ऊपर लास्ट और फाइनल ब्रेड की स्लाइसेस रखनी है और दोबारा से वही प्रोसेस करनी है। इस बार हमें चॉकलेट से इसको अच्छे से कवर करना है क्योंकि इसके ऊपर हम ब्रेड की और स्लाइसेस नहीं रखने वाले हैं। चलिए इसकी साइड्स पे भी चॉकलेट लगा देते हैं। देखिए चॉकलेट से अच्छे से कवर हो गया है। अब इसकी साइड्स को किसी कपड़े या टिश्यू के हेल्प से क्लीन कर लेते हैं। अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं और हमने जो यहाँ पर क्रीम रखा था उसको हमें बॉल शेप दे देना है। देखिए हमें ऐसे छोटे बॉल्स बना लेना है। हमने जो डेयरी मिल्क ली थी उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना है। फ्रेंड्स देखिए हमने इसको ग्रेट कर लिया है, इससे पहले ये मेल्ट हो जाए हमको इसको फ्रीज में रखना है। चलिए अब हम केक को डेकोरेट कर लेते हैं। हमने जो चॉकलेट ग्रेट किया था उससे हम केक को डेकोरेट कर लेते हैं स्प्रिंकल करके। इसकी साइड्स पे भी हमें इसे लगा देना है। ग्रेटेड चॉकलेट से कवर करने के बाद हमने जो बॉल्स बनाए थे उसको इसके ऊपर रखना है। और ये हमारा फटाफट से बनने वाला केक बिल्कुल तैयार है।
और हमने इसे सिर्फ तीन चीज़ों से तैयार किया है। फ्रेंड्स ये इतना प्यारा बना है कि इसको कट करने का मन नहीं कर रहा है, बट एनीवे हम इसे कट करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये कितना सॉफ्ट बना है, इसकी कटिंग भी अच्छे से हो रही है। फ्रेंड्स आपको ये हमारी केक की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना। हम आपको फिर मिलेंगे ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।